Assalamu alaikum. Today we will discuss about lecture number 24. Firstly, we will try to solve examples. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले चाबी चैसन इनक्वालिटीज क्या होती है, इसकी पहली एग्जांपल देखते हैं. सो बायोलॉजिस्ट इज इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ पेटल्स ऑन पर्टिकुलर फ्लावर, दिस नंबर में टेक द वैल्यूज. एक बायोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड है एक खास फूल की पत्तियों में, और दिस नंबर में टेक वैल्यू, और रैंडम वैल्यूएबल की वैल्यूज हैं 3 to 9 सॉरी. ईच ऑफ द वन नंबर विल हैव इट्स ओन प्रोबेबिलिटी. हर नंबर की अपनी प्रोबेबिलिटी है. नंबर ऑफ पेटल्स गिवन है और प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो ये इसका हमने जो चीज़ फाइंड करनी है, एक तो हमने मीन फाइंड करना है जब प्रोबेबिलिटी गिवन हो और एक्स वैल्यूज गिवन हो. तो मीन कैसे फाइंड करते हैं? मीन इक्वल टू ई ऑफ एक्स, मतलब समीशन एक्स पी ऑफ एक्स. हमने जब लिया x p of x, मतलब p of x की वैल्यूज को x से मल्टीप्लाई किया, और उसको अगर मैं जो सम है वो लिख दिया, तो आगे हमारे पास 5.925, इसको राउंड ऑफ कर लिया 5.9 आ गया. और इसी मीन की अगर हम कैसे कह लें इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन डेविएशन निकाल लें हम, तो डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल ली है 36.925. ये क्या है? ये एक्स स्क्वायर पी ऑफ एक्स है माइनस 5.925 स्क्वायर, ये एक्स पी ऑफ एक्स का होल स्केयर है. 36.925 है, ये है एक्स स्केयर पी ऑफ एक्स, मतलब एक्स स्केयर को पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देना, उनका जो सम आएगा वो लिखना है. माइनस ये है एक्स पी ऑफ एक्स का सम है, तो उसको लिखना है, उसका स्केयर कर दिया, हमारे पास आ गया 1.3. अब चेबीशेव इनइक्वालिटी क्या होता है? अकॉर्डिंग टू चेबीशेव इनइक्वालिटी द प्रोबेबिलिटी से एटलीस्ट 1 minus 1 over 2 का square minus 1 over 4, 3 by 4. ठीक है, मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि 75% फ्लावर्स की पेटल ऐसी हैं जो लाई कर रही हैं बिटवीन 3.3 and 8.5. मतलब मीन माइनस टू स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन प्लस टू स्टैंडर्ड डेविएशन. मतलब हमने यहाँ देख फार्मूला 1 minus 1 over k का स्केयर, के स्केयर की जगह हमने 2 लिखा तो 3/4 आ गया, मतलब 0.75. 75% फ्लावर्स की पेटल ऐसी जो लाइट कर रही हैं 3.3 से 8.5. 5.9 minus 2 multiply 1.3. अभी 5.9 यहाँ पे क्या है? ये मीन है, और ये फार्मूला हम जानते हैं माइनस टू मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन. अकॉर्डिंग टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी एक्स लाइज बिटवीन, वही बात है कि एक्स की प्रोबेबिलिटी लाई कर रही है. आकर मैंने वैल्यूज को सम ले लिया कम्युलेटिव, टुडे वी विल डिस्कस अब हम देखते हैं सेकंड एग्जांपल को. सपोज यू इन्वेस्ट अ फिक्स सम ऑफ मनी इन ईच ऑफ द 5 बिजनेस वेंचर, मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी मनी को 5 बिजनेस वेंचर्स में. अज्यूम डैट यू नो 75% ऑफ वेंचर्स आर सक्सेसफुल. हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि 70% बिजनेस वेंचर्स है जो सक्सेसफुल है, कामयाब. द आउटकम्स ऑफ वेंचर आर इंडिपेंडेंट वन अदर, आउटकम है जो उनका रिजल्ट है एक दूसरे से अलग है. एंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द एक्स ऑफ सक्सेसफुल वेंचर आर, प्रोबेबिलिटी दी हुई है, एक्स वैल्यूज दी हुई है. हम मीन फाइंड करना हम जानते हैं, मीन हम इजिली निकाल लेंगे. उसने कहा ये भी फाइंड करना है, e ब्रैकेट x माइनस म्यू का होल स्क्वायर. सबसे पहले तो म्यू निकाल मीन निकाल लिया हमने पहले की तरह, अब ये कैसे निकालना है? सबसे पहले x पे p ऑफ x, फिर x माइनस म्यू, x माइनस म्यू का स्क्वायर, x माइनस म्यू का स्क्वायर p ऑफ x, ये सारा हमने निकाल लिया फार्मूले में, वैल्यूज पुट कर दी. मीन प्लस 2 मल्टीप्लाई 1.02 थी, मतलब वो उनके बिटवीन जो प्रोबेबिलिटी लाई कर रही है, मतलब एक्स प्लस म्यू प्लस टू स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सहारा पिछले की तरह यही थी. अब हम डिस्कस करते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल. कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल वो होता है, मतलब इसमें हमें इंटरवल गिवन हो और रैंडम वेरिएबल जिसको हम रैंडमली वैल्यूज देते हैं, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो. तो इसके लिए
था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए इन प्रॉपर्टीज का होना जरूरी है तभी वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को। सबसे पहले प्रॉपर्टी एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स, हर एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। और सेकंड है लिमिट माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इक्वल टू वन, ये सेकंड कंडीशन। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल प्रॉबल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का होगा। थर्ड कंडीशन है प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स टेक्स ऑन द वैल्यू, ठीक है सी ऑफ डी, मतलब इंटरवल की बात कर रहा है कि सी से सी छोटा है डी से, इज गिवन बाय प्रॉबिलिटी एक्स ग्रेटर देन सी लेस देन डी। ये थर्ड कंडीशन है, मतलब प्रोबेबिलिटी में एक्स की वैल्यू सी से तो बड़ी लेकिन डी से छोटी है, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट में सी डी आ गया और एफ ऑफ एक्स से फंक्शन आ गया। विच इज एरिया अंडर द कर्व बिटवीन एक्स इक्वल टू सी एंड एक्स इक्वल टू, ये जो सी और डी है ये एरिया अंडर द कर्व है, जैसे देख रहे हैं ना एक कर्व बनी हुई है एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है उसकी, तो ये सी और डी एरिया नीचे कर्व का नीचे वाला एरिया है। अब हम देखते हैं एग्जांपल को, फाइंड द वैल्यू ऑफ सो डेट द फंक्शन डिफाइंड एज फॉलो में डेंसिटी फंक्शन, मतलब डेंसिटी मतलब कंटीन्यूअस फंक्शन है, फंक्शन है गिवन है और एक्स बड़ा है जीरो से जब एफ ऑफ एक्स बराबर है के एक्स के और टू से छोटा है और एफ ऑफ एक्स जीरो है इसके अलावा हर जगह, और कंप्यूट करना है हमें प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एक्स लेस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी निकाली। सबसे पहले हम देखते हैं डेंसिटी फंक्शन की प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, ऑब्वियसली एक्स उन्होंने बता दिया शुरू में क्वेश्चन के अंदर ग्रेटर दैन जीरो है तो टू से लेस है तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन है हमने एफ एक्स फंक्शन का इंटीग्रल लेके इंटीग्रेशन करके वन के बराबर लिखना है उसको, लिमिट्स गिवन है टू से जीरो तक, सेकंड कंडीशन में हमने जस्ट इंटीग्रेशन की है और के की वैल्यू होगी 1/2। अब थर्ड कंडीशन में, थर्ड कंडीशन में कंप्यूट करो प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन टू वन, फंक्शन गिवन है जैसे हमने कहा था एरिया अंडर द कर्व क्या है, इज ऑब्टेन बाय कंप्यूटिंग द एरिया अंडर द कर्व इन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन एक्स एंड वन एंड टू। फंक्शन गिवन है हमारे एफ एक्स इक्वल टू एक्स ओवर टू, लेकिन देखिए एरिया नीचे कर्व के नीचे क्या है, एरिया जो कर्व के नीचे वाला है सबसे एंडिंग पॉइंट टू है और वन है, मतलब एरिया अंडर द कर्व है वन और टू के दरमियान, तो इसकी एरिया और शेडेड एरिया की जो लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट वन और टू होगी। कंटिन्यूस फंक्शन है उसकी एक बात याद रखनी है प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू वन इक्वल टू जीरो होगा, ये सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। अब हम देखते हैं कंडीशन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को बाद में देखेंगे, थोड़ा सा मुझे भी इसका ना थोड़ा सा डाउट है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी की क्लासिकल डेफिनेशन के मुताबिक देखते हैं हम, मतलब वो कह रहा है कि फॉर ई कंडीशन में क्या है, एक्स लेस देन 1/2 और 1/3 एक्स लेस देन, ऐसे कह लें एक्स लेस देन 1/2 एक्स ग्रेटर देन 1/3 बट एक्स लेस देन 2/3, तो इस तरह से 1/2 1/3 2/3 1/3 ये लिमिट्स होगी, इसको इंटीग्रेट जस्ट हमने कर लिया है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बना उसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है हमने, प्रोबेबिलिटी सॉरी ऐसे कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बना डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, क्योंकि कैपिटल एफ ऑफ एक्स है गिवन है, हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉड एक्स लेस देन 1.5। सबसे पहले तो डेफिनेशन के मुताबिक एफ ऑफ एक्स निकालने का तरीका, मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालने का तरीका, जस्ट इंटीग्रेशन ले लें एफ ऑफ एक्स की, सॉरी डेरिवेशन ले लें। फाइंड द एक्सपेक्टिव वैल्यू ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स हैविंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी, एक्सपेक्टेड वैल्यू रैंडम वेरिएबल की कैसे फाइंड होती है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की, एक्स एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन लेंगे, लिमिट होगी माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, यहाँ पे गिवन है लिमिट्स 1 से 0